नौ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के पास में देखे विकास बहरा है, विकास बहरा है और ये रोज का है। इसको कई बार एमसीजी गुरुग्राम को इत्तला करने के बाद भी यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी या कोई भी पीडब्ल्यूडी का बंदा नहीं आया है। और ये इस तरीके से देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी टू व्हीलर वाला आता है तो गिर के उसका एक्सीडेंट का चांस हो सकता है। एक तरफ रोड में बड़े बड़े गड्ढे, दूसरी तरफ वाटर सप्लाई वालों की खुदाई की वजह से देखिए रोड पर पड़े हुए हैं ये पाइप। गुरुग्राम में बहता विकास और सोती सरकार को जगाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। अगर गुरुग्राम प्रशासन की एमसीजी की नींद जागे तो कृपया इसकी मरम्मत करवाने की कोशिश करें। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा रोड ये टूटा हुआ है और मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए गाड़ी आई, सेक्टर 9 पीजी कॉलेज के सामने, ये सिविल हॉस्पिटल के सामने से सेक्टर 9 ए की तरफ जाता हुआ रोड है और इस पर लगातार जो है देखिए किस तरीके से जुगाड़ करके यहाँ पर इस रोड को मरम्मत किया है स्थानीय निवासियों ने, ताकि यहाँ पर कोई दुर्घटना ना घटे। देखिए ये मलबा डाला गया है साइड से और ये लगातार यहाँ पर भरा हुआ पानी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये आज का नहीं है, लगभग एक साल से इसकी शिकायत नगर निगम गुरुग्राम को की जा रही है पर कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए टू व्हीलर्स वाले आ रहे हैं यहाँ पर और कोई भी हादसा घट हो सकता है। लापरवाही की मिसाल देखिए, ये पाइप पड़े हुए हैं लगातार महीनों से, जिसको देखने वाला कोई नहीं है, खुदाई करके छोड़ दिया गया इसको रोड पर। सेक्टर 9 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के पास में देखिए विकास बहरा है, विकास बहरा है और ये रोज का है। इसको कई बार एमसीजी गुरुग्राम को इत्तला करने के बाद भी यहाँ पर कोई भी सफाई कर्मचारी या कोई भी पीडब्ल्यूडी का बंदा नहीं आया है। और ये इस तरीके से देखिए, अगर यहाँ पर कोई भी टू व्हीलर वाला आता है तो गिर के उसका एक्सीडेंट का चांस हो सकता है। एक तरफ रोड में बड़े बड़े गड्ढे, दूसरी तरफ वाटर सप्लाई वालों की खुदाई की वजह से देखिए रोड पर पड़े हुए हैं ये पाइप। गुरुग्राम में बहता विकास और सोती सरकार को जगाने के लिए एक छोटी सी कोशिश है। अगर गुरुग्राम प्रशासन की एमसीजी की नींद जागे तो कृपया इसकी मरम्मत करवाने की कोशिश करें। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा रोड ये टूटा हुआ है और मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए गाड़ी आई, सेक्टर 9 पीजी कॉलेज के सामने, ये सिविल हॉस्पिटल के सामने से सेक्टर 9 ए की तरफ जाता हुआ रोड है और इस पर लगातार जो है देखिए किस तरीके से जुगाड़ करके यहाँ पर इस रोड को मरम्मत किया है स्थानीय निवासियों ने, ताकि यहाँ पर कोई दुर्घटना ना घटे। देखिए ये मलबा डाला गया है साइड से और ये लगातार यहाँ पर भरा हुआ पानी आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये आज का नहीं है, लगभग एक साल से इसकी शिकायत नगर निगम गुरुग्राम को की जा रही है पर कोई भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए टू व्हीलर्स वाले आ रहे हैं यहाँ पर और कोई भी हादसा घट हो सकता है। लापरवाही की मिसाल देखिए, ये पाइप पड़े हुए हैं लगातार महीनों से, जिसको देखने वाला कोई नहीं है,
खुदाई करके छोड़ दिया गया इसको रोड पर। लापरवाही को दर्शाते हुए ये सड़कों पर देखिए किस तरीके से गहरे गहरे गड्ढे खोद के डाले गए हैं। अगर यहाँ पर अचानक रात को कोई भी कार वाला गुजरता है और उसकी कार इसमें गिर जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर धूल उड़ रही है और ये जो रोड पर मलबा पड़ा हुआ है इसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं है। तमाम तरह की शिकायत करने के बाद एक तरफ बहता हुआ पानी। ये रोड है सिविल हॉस्पिटल गुरुग्राम सेक्टर 10 के सामने की और ये नज़ारा है पीजी कॉलेज सेक्टर 9 के गेट के बिल्कुल साथ में। देखिए यहाँ पर बच्चे आते हैं, विद्यार्थी आते हैं और लगातार जो है वो यहाँ से गुजरते हैं। कोई भी हादसा घट सकता है। कितना गहरा गड्ढा है और इसका जो मलबा है, जो मिट्टी है, वो बीच रोड पर डाल के और गुरुग्राम प्रशासन अपने आप को क्या दर्शाना चाहता है। कॉरपोरेशन ने दिखाया था कि हमने यहाँ की शिकायत रिजॉल्व कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो शिकायत है किस तरीके से पेपरों में रिजॉल्व करते हैं और फेक फ़ोटो अपलोड करके ट्विटर पर और अपने आप को दिखाते हैं कि हमने यहाँ का काम कर दिया है। ये जो सुलभ शौचालय है सेक्टर 9 और 9A को जोड़ती हुई रोड है, ये है पीजी कॉलेज। देखिए कितने बच्चे हैं यहाँ पर और किस तरीके से गंदगी का माहौल बना हुआ। MCG की लापरवाही और गुरुग्राम प्रशासन की लापरवाही। नागरिक अस्पताल के सामने वाला ये रोड है और यहाँ पर पिछले दिनों मैंने शिकायत की थी कि कितनी बड़ी गंदगी का सबब बना हुआ ये जो सरकारी सुलभ शौचालय है। इसका जो पानी है सड़क के ऊपर छोड़ा गया है और यहाँ का जो MCG है वो इस तरीके से लोगों को कह रहा है कि हम यहाँ पर पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं। देखिए लोगों की ज़िंदगी के साथ गंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।